हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज मैंने फिर से टॉपिक जो लिया आप लोगों के लिए, ऑलरेडी मैं आज एक हफ्ते से आप लोगों को बता रहा हूँ कि इंडिया में नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया में टॉप 20 MBA कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स, MBA PGDM कॉलेज इंस्टीट्यूट्स क्या है। मैंने ऑलरेडी आप लोग अपलोड कर दिया है वीडियो, वो सब वीडियो देखिए कि ईस्ट इंडिया में कौन सा टॉप 20 है, वेस्ट इंडिया में, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया। और ये जो आज मैंने दिया है ये ओवरऑल रैंकिंग टॉप 51 MBA PGDM इंस्टीट्यूट्स कॉलेज इन इंडिया, जहाँ की आप पढ़ेंगे तो आपका जो पैसा जो आप लगाएंगे, जो इन्वेस्ट करेंगे, तो वो पैसा रिटर्न होने की पूरी गारंटी है और उम्मीद भी है। पहले तो उम्मीद वाला वर्ड यूज़ करेंगे और फिर गारंटी भी है ना, कि वो पैसा जो है उसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू फॉर मनी, कि जो पैसा आप लगाते हैं, जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट जब कोई चीज़ होता है उसका रिटर्न आना चाहिए। और वो रिटर्न मैंने पहले ही कहा है कि अगर आप MBA कर रहे हैं किसी भी टॉप 51 इंस्टीट्यूट से, है ना, तो आप जितना लगाए, मान लीजिए आपने 25 लाख रुपया लगाया, तो क्या आपका 25 लाख का पैकेज आपको मिलेगा? क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूट की जो रैंकिंग है पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड करती है, अगर उसका प्लेसमेंट अच्छा है, इसका मतलब उसका सब कुछ अच्छा है। अब प्लेसमेंट अच्छा का मतलब होता है कि मिनिमम पैकेज, तीन तरह का पैकेज होता है, मैं पहले उनसे वीडियो में बता चुका हूँ, मिनिमम पैकेज होता है, एवरेज पैकेज होता है और एक मैक्सिमम पैकेज होता है, ठीक है, ये तीनों चीज़ याद रखना है। लेकिन आपको मिनिमम पैकेज भी, अगर ये सब जो इंस्टीट्यूट ने लिखा है 50 तक, उसको तो और भी इंस्टीट्यूट का नाम मैंने यहाँ लिखा है, अगर ये आपको आपके हाथ में टेक होम सैलरी, नेट सैलरी 50,000 रुपीज़ पर मंथ दिलाता है, तो समझिए कि ये सब इंस्टीट्यूट अच्छा है, जो मैंने अपने रिसर्च के बेस पे अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव, नेबर्स, एग्जीक्यूटिव्स, मैनेजर्स, मेरे स्टूडेंट्स, जो भी आप सब टॉप लेवल पे कॉर्पोरेट में बैठे हैं, जहाँ भी पूरे वर्ल्ड में है ना, इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर, फैकल्टी, टीचर सब के साथ इंटरेक्शन करने के बाद मैंने ये रैंकिंग तैयार किया। और पहले वाला वीडियो कब रैंकिंग मैंने उन्हीं से सब कुछ, अभी गूगल सर्च है, अभी विकीपीडिया है, बहुत सारा चीज़ मैं बहुत पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं कोई चीज़ तैयारी करता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये रैंकिंग भी उसी बेस पे है, मेरा अपने रिसर्च के बेस पे है, और पूरी उम्मीद है कि ये रैंकिंग एकदम सटीक बैठेगी आप लोगों को। अगर आप इस टॉप 50 इंस्टीट्यूट से MBA कर रहे हैं या PGDM कर रहे हैं, तो मेरा पूरा मानना है कि आपका वैल्यू फॉर मनी, आप जो पैसा लगाएंगे वो बिल्कुल रिटर्न होगा, हर हालत में रिटर्न होगा। और भी अदर देन इसके अलावा अगर कोई इंस्टीट्यूट ऐसा है जो मेरा छूट गया है यहाँ पे, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वो भी इंस्टीट्यूट है जो कि 50,000 रुपीज़ पर मंथ टेक होम सैलरी, नेट सैलरी देता है, है ना। जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट में जाएं एडमिशन लेने के लिए, उनसे सीधा पूछें, MBA वालों के लिए सिर्फ, इंजीनियरिंग वालों के लिए नहीं, MBA वालों के लिए। वो MBA इंस्टीट्यूट जो 50,000 रुपीज़ टेक होम नेट सैलरी देगा, वही इंस्टीट्यूट आप समझिए आपको वैल्यू फॉर मनी दे रहा है, अदरवाइज यूजलेस है वो इंस्टीट्यूट, बेकार है, वहाँ पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि आपको वो वैल्यू फॉर मनी, आपको पैसा रिटर्न करने में आपको 5 साल लग जाएगा, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए बताते हैं, आप खुद भी इसको रोक के पढ़ सकते हैं, अगर समझ में आता है तो रोक के अपना वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, और नहीं तो मैं वन बाय वन बताता हूँ। दो कैटेगरी मैंने लिया है इस बार मैंने लिया है नेशनल रैंकिंग उनकी और कॉरपोरेट रैंकिंग, मैंने कंपनी जो हिंदुस्तान में, इंडिया में, से फॉर एग्जांपल आज के डेट में 7,000 मल्टीनेशनल कंपनी है, वो उसको इस इंस्टीट्यूट को किस तरह रैंक करती है प्लेसमेंट वाइज, है ना। क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूट का प्लेसमेंट अगर अच्छा होता है तो उसका सब कुछ ओवरऑल अच्छा होता है, वेरी सिंपल। उसका स्टूडेंट्स इनटेक भी अच्छा होगा, उसकी फैकल्टी भी अच्छी होगी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होगा, उसका इंटर्नशिप भी अच्छा होगा, उसका गेस्ट लेक्चर भी, सब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि प्लेसमेंट तभी मिलता है जब सब कुछ अच्छा होता है, तभी बड़ी बड़ी कंपनियाँ आपके कैंपस में आती, नहीं तो नहीं आएगी। क्योंकि उनको सब पता होता है, उनका अपना एक सोर्स होता है पता लगाने का, उनको सब पता होता है कि आपके इंस्टीट्यूट में क्या चल रहा होता है, उसका स्टूडेंट्स का क्या इनटेक है, वो बकायदा मंगाते हैं, है ना, डेटा मंगाते हैं, और उसके बेस पे फिर वो कैंपस में विजिट करते हैं, ठीक है ना। चलिए बताते हैं आप लोगों को, सबसे पहला कॉर्पोरेट रैंकिंग के हिसाब से, है ना, फिर नेशनल रैंकिंग, सही कॉर्पोरेट रैंकिंग है ये, नेशनल रैंकिंग है उनके हिसाब से। IIM अहमदाबाद आज 10 साल से नंबर 1 पे है दोनों ही रैंकिंग में, है ना। FMS दिल्ली कॉर्पोरेट रैंकिंग में सेकेंड रैंक पे है, लेकिन नेशनल रैंकिंग में फर्स्ट पे, मतलब नेशनल रैंकिंग के हिसाब से ये सारे इंस्टीट्यूट नंबर 1 पे है। इसमें FMS दिल्ली, IIM अहमदाबाद, XLRI जमशेदपुर, IIM कोलकाता, IIM बेंगलोर एंड ISB हैदराबाद। ISB इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, नॉट IBS, इंडियन बिजनेस स्कूल, वो इकफाई है, यहाँ पे मैंने दिया है इकफाई, वो IBS है, ठीक है, ISB कन्फ्यूज नहीं होना है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, इसको हम नेशनल रैंकिंग 1 मानते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट के हिसाब से ये रैंकिंग है 1, 2, 3, 4, 5, 6।
ये आपको याद रहेगा, क्लियर कट है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आई एम लखनऊ हमारा, ये सब सेकंड रैंकिंग, सारे सेकंड रैंकिंग पे आते हैं, नेशनल रैंकिंग पे, मतलब इंडिया में इसकी वैल्यू जो है सेकंड रैंक है सबका। आई एम लखनऊ, IIFT दिल्ली, SPGN इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च, जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, IIMT गाजियाबाद और MDI गुड़गांव, ये सबकी सेकेंड रैंकिंग, इक्विवेलेंट रैंकिंग। लेकिन कॉरपोरेट के नज़र में इनकी रैंकिंग 7, 8, 9, 10, 11, 12 है, ठीक है, क्लियर कट है यहाँ पे, एकदम समझ में आया आप लोगों को। अब चलते हैं थर्ड रैंकिंग, नेशनल रैंकिंग के हिसाब से IIM इंदौर, IIM कोझिकोड, IIM मुंबई, IIM तिरुचिरापल्ली, IIT मुंबई, IIT का जो मैनेजमेंट स्टडीज़ का जो कोर्स होता है MBA का, IIT दिल्ली में भी होता है और IIT खड़गपुर में भी होता है, ये सब जो है थर्ड रैंकिंग पर नेशनल रैंकिंग में है। लेकिन कॉर्पोरेट रैंकिंग के हिसाब से इनका 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 रैंकिंग है। बहुत अंतर होता है कॉर्पोरेट रैंकिंग और नेशनल रैंकिंग में, क्योंकि कॉर्पोरेट बहुत सब चीज़ों को देख के जाता है, और सबसे बेस्ट जब वो प्लेसमेंट देगा तो जो बच्चों को जो प्लेसमेंट देगा तो नेचुरली वो तो पैकेज के सिस्टम से देता है, CTC के सिस्टम से देता है। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा जहाँ मैंने बताया है कि CTC पैकेज, ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी, टेक होम सैलरी में क्या फ़र्क होता है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ टेक होम सैलरी, नेट सैलरी की बात करनी है। पैकेज की बकवास है, कुछ नहीं होता, साल भर आप काम करिएगा तब मिलता है। अगर साल भर में कुछ गड़बड़ हो गया तो कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, अच्छी कंपनी देती है, अच्छी कंपनी आपको कुछ गड़बड़ भी हो गया, अगर आपका परफॉर्मेंस नहीं भी अच्छा है, थोड़ा बहुत भी अच्छा है, तो उस थोड़ा बहुत के बेस पे भी क्वार्टरली वो जो है वो आपको पेमेंट करती है। अब चलते हैं नेशनल रैंकिंग 4, इसमें सिम्बायोसिस पुणे है ना, मुद्रा कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट जो है अहमदाबाद का, वो ग्रेट लेक्स चेन्नई, IIM रोहतक, IIM रायपुर, IIM रांची एंड IIM उदयपुर। लेकिन कॉर्पोरेट रैंकिंग के हिसाब से बहुत फ़र्क हो जाता है, ये 20 रैंक है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, बहुत फ़र्क है दोनों सब रैंकिंग में, ये ध्यान देना है। फिर फिफ्थ रैंक जो है पूरा नेशनल रैंकिंग के हिसाब से IIM शिलोंग, नरसी मोंजी है ना मुंबई, IIM विशाखापट्टनम, IIM नागपुर, IIM काशीपुर जो कि आपको उत्तराखंड में है ना, UBS यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आता है शायद, IIM संबलपुर, ये सब फिफ्थ रैंक है नेशनल रैंक के हिसाब से। लेकिन कॉर्पोरेट रैंकिंग के हिसाब से 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 रैंक, टॉप 33 रैंक में यहाँ तक आता है। उसके बाद चलते हैं सिक्स्थ रैंक नेशनल रैंकिंग के हिसाब से, IIT रुड़की है ना, इसका मैनेजमेंट जो है डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, GIM गोवा, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM सिरमौर है ना, IIM बौद्ध गया बिहार में है, अमृतसर पंजाब, ISM धनबाद जो IIT है, ISM धनबाद हो गया है, और IIM न्यू दिल्ली, ये सब सिक्स रैंकिंग में नेशनल रैंकिंग में है। लेकिन कॉर्पोरेट रैंकिंग के हिसाब से 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, up to this, these are the top 40 इंस्टीट्यूट्स और PGDM MBA इंस्टीट्यूशन कॉलेजेस इन इंडिया, जिसको कि आप कह सकते हैं जहाँ की वैल्यू फॉर मनी आपको जरूर मिलेगा, गारंटी के साथ मिलेगा, मेरा पूरा विश्वास है कि ये रिसर्च गलत नहीं हो सकता है। आगे चलते हैं, हो सकता है सैलरी में, क्योंकि हर रैंकिंग जो हर साल आगे पीछे होता रहता है, हर साल पैकेज का भी डिफरेंस होता है, कभी कुछ गड़बड़ हो गया कंपनी में, टॉप मल्टी नेशनल कंपनी में, US मार्केट में या स्टॉक मार्केट कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ रिसेशन हो गया, डिप्रेशन हो गया, तो उसकी वजह से पैकेज में भी कोविड में तो बहुत बुरी स्थिति थी, फिर बाद में भी कंपनी ने सब फिर से अच्छा पैकेज देना शुरू किया, तो ये सब चीज़ डिफर करता है, बहुत सब चीज़ों में आप लोग डिफर करता है। अब नेशनल रैंकिंग 7, जिसमें कि LBSIM लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट जो न्यू दिल्ली का है, वो BIT मिश्रा रांची है ना, बहुत पुराना, बहुत नामी, निफ्टी मुंबई, 4 स्कूल ऑफ मैनेजमेंट न्यू दिल्ली, और ये ISWBM कोलकाता और इरमा आनंद, ये सब जो है 7th रैंक पे है, जिसका कॉर्पोरेट रैंकिंग 41, 42, 43, 44, 45, 46। अब जो लास्ट चार रैंकिंग है वो है आपका निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, जो कि नेशनल रैंकिंग में 8th रैंक पे आता है, लिबा है ना चेन्नई का जो है, उसके बाद तापमी मणिपाल और IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल, ये सब 8th रैंकिंग है, जिसका 47, 48, 49, 50। अदर देन दिस, उसके बाद इसकी रैंकिंग भले नहीं हो, है रैंकिंग है, नेचुरल है, नेशनल रैंकिंग जरूर है इनकी है ना, थोड़ा सा 41 के बाद है या 50 के बाद जैसा भी है, लेकिन इसमें भी पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कम पैकेज मिलेगा, मतलब सैलरी मिलेगी, लेकिन मिलेगा जरूर, अच्छा मिलेगा,
जैसे के जी सुमाया मुंबई, IMS BHU, IP इन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज हैदराबाद, इकफाई हैदराबाद है ना, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और एक्स्ट्रा रिसर्च रांची, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस, ये सब में भी। लेकिन मैंने पहले ही कहा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आना चाहिए, अच्छा से आना चाहिए। आप IIM अहमदाबाद में पढ़ते हैं, आज की डेट में 24-25 लाख रुपये खर्च होता है, तो वहाँ पर मिनिमम पैकेज है, एवरेज पैकेज है, मैक्सिमम पैकेज है, वहाँ पर कुछ भी मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस, आपका इंडिविजुअल कैलिबर क्या है उसके हिसाब से, लेकिन ये पैकेज देने में सक्षम है ना। तो इसी हिसाब से जो इंस्टीट्यूट, अगर मान लीजिए इसमें उस इंस्टीट्यूट का नाम नहीं है जहाँ आप एडमिशन लेना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो ख़राब है, लेकिन आपको ये पता जरूर करना है क्या वो जो पैसा ले रहा है, 12 लाख ले रहा है या 8 लाख ले रहा है, जो भी ले रहा है, क्या उतना का मिनिमम पैकेज आपको देगा या कम से कम मिनिमम सैलरी से स्टार्ट करेगा जो 50,000 रुपीज़ पर मंथ है, ये मिनिमम होना चाहिए किसी भी MBA कॉलेज का। अगर इतना सैलरी आपको टेक होम लेट होम नहीं मिलता है तो फिर वहाँ पढ़ने का मतलब क्या है, ये आपको हमेशा याद रखना है। अदरवाइज आप खुद समझदार हैं, आप खुद इंटेलिजेंट हैं, ब्रिलियंट हैं, आप अपना डिसीजन खुद लीजिए। मेरा फर्स्ट था आपको अवेयर करना, अलर्ट करना, मैं हमेशा लोगों को एजुकेट करता हूँ और लर्निंग देता हूँ, नॉलेज इन्फॉर्मेशन एक्सपोजर, सो दैट कि आपके पास पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहे और उसके बेस पे आप इसको तैयारी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, इसको शेयर करें सबके साथ और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा फिर से फ्रेश वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी।